वाओ, ये है हमारा सन, बिग एंड ब्राइट। और सन एक स्टार भी है। है? सन एक स्टार है? सन तो सन है, जिसे हिंदी में हम सूरज बोलते हैं। तो फिर ये स्टार कैसे? हाँ, यही तो मजे की बात है। स्टार यानी तारा एक ऐसी स्पेस बॉडी होती है जो खुद अपनी एनर्जी बनाती है और लाइट भी एमिट करती है, जैसे कि हमारा सन। और इसीलिए सन हमारे सोलर सिस्टम का एक अकेला स्टार है। वाओ, तो आसमान में जो भी तारे हमें दिखाई देते हैं, वो सब अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं? बिल्कुल सही। जब हम आसमान में ऊपर देखते हैं, तो जो भी टिमटिमाते हुए डॉट्स हमें दिखाई देते हैं, वो तारे होते हैं जो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। और जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं जो सूरज की रोशनी से चमकते दिखाई देते हैं। अच्छा, तो हमारे सोलर सिस्टम में एक तो सन है, अगर उसके अलावा और क्या क्या है? सोलर सिस्टम में सूरज के अलावा 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक है हमारी अर्थ। और इन प्लैनेट्स के मून्स भी हैं। और हमारी अर्थ का एक मून है, जिसे सारे बच्चे चंदा मामा कहते हैं। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। ये है मर्क्यूरी, बुध, जो सन के सबसे पास ऑर्बिट करता है, और सभी प्लैनेट्स में ये सबसे छोटा भी है। सेकेंड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसका नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम पर रखा गया है, वीनस, जिसे हिंदी में कहते हैं शुक्र। और ये सबसे गर्म प्लैनेट है, मर्क्यूरी से भी ज्यादा। और उसके बाद आता है अर्थ, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। अर्थ की 71% सरफेस सिर्फ पानी से बनी हुई है। और माना जाता है कि सोलर सिस्टम का एक यही प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। उसके बाद आता है फोर्थ प्लैनेट मार्स, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, और हिंदी में मंगल के नाम से जाना जाता है। मंगल के बाद आता है एक एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स फ्लोट करते रहते हैं। और इस एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, अर्थ से 11 गुना बड़ा। ये बड़ा तो है, पर मोस्टली गैसेस से बना हुआ है, और यहाँ हमेशा तूफान आते रहते हैं, खतरनाक तूफान। जुपिटर के बाद है सैटर्न, यानी शनि। सैटर्न प्लेनेट के चारों ओर 3 रिंग्स हैं, जो बर्फ, धूल और पत्थरों से बनी हैं। सैटर्न जुपिटर से थोड़ा छोटा है, और ये भी गैसेस से बना हुआ है, पर इसकी कोर में रॉक्स और मेटल्स हैं। हाँ, सेवेंथ प्लेनेट है यूरेनस, जिसे हिंदी में कहते हैं अरुण। हमारे आसमान के बादल ज्यादातर सफेद होते हैं, और जिन बादलों में धूल होती है वो भूरे, और कभी कभी ये बादल काले भी होते हैं। खैर, काले तो नहीं होते, पर ग्रे होते हैं, सलेटी, जिन्हें हम काले बादल बोलते हैं। इसी तरह यूरेनस के बादल है नीले। पूरा यूरेनस नीले बादलों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यूरेनस नीला दिखाई देता है। और एक और मजे की बात, यूरेनस भी रोमन नाम है, और इसका नाम जुपिटर के दादाजी के नाम पर रखा गया है। तो यूरेनस जुपिटर के दादाजी है? हाँ, मान सकते हैं, पर दादाजी जुपिटर से साइज में बहुत छोटे हैं। फिर आता है एट्थ प्लेनेट, और सबसे दूर वाला प्लेनेट नेपच्यून, जिसे हिंदी में बोलते हैं वरुण। नेपच्यून सन से सबसे ज्यादा दूर होने के कारण सबसे ठंडा प्लेनेट भी है। सबसे ठंडा। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें है सन, 8 प्लैनेट्स, जिसमें से एक अर्थ है, और इन सब प्लैनेट्स के मून्स, और बहुत सारे एस्टेरॉइड्स। आज मुझे पता चला कि कुछ तारे टिमटिमाते क्यों नहीं हैं, क्योंकि जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो तो तारे हैं ही नहीं, वो तो प्लैनेट्स हैं।